गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन DSC 103 वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर विच इज़ एसोसिएटेड विद वुमेन, एसोसिएटेड विद गॉडेस सीता, एंड इट इज़ रिटन बाय नवनीता देवसेन का ये चैप्टर है. एंड ये डील्स विद अ वुमेन्स रिटेलिंग ऑफ द रामायण टेल. इसमें उन्होंने बताया है कि जो चंद्रपति रामायण है उसको उन्होंने 16th सेंचुरी वाली रामायण को उठाया है. एंड इट विच वी आर टोल्ड अबाउट दो नैरेटर हैं, वन इज सीता वेल शी इज टेलिंग अबाउट हर बारोमासी का जो रेफरेंस है, एंड अदर वन इज चंद्रपति हर सेल्फ. तो उनको जो है एज ए नैरेटर उठाया है, और सीता की जो वॉइसेज है, जो स्ट्रगल है, वो सारी चीज़ को दिखाया गया. वट हर एटीट्यूड इज टुवर्ड्स लाइफ एंड वट डज शी फील वेन शी हैज़ टू पास थ्रू द ऑर्डियल है, जो आपकी अग्नि परीक्षा है, उसके बाद जो वेन शी इज डिजर्टेड बाय लॉर्ड रामा, ने उनका परित्याग करा है, उसके बाद वट हैपन्स एट द एंड ending of the Ramayana when she decides to go back to leave this world forever, कि this world is not worth living. इस दुनिया में रह कर करना क्या है, जहाँ पर एक फीमेल की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, उसकी भावनाओं को कोई समझता नहीं है. शी इज़ जस्ट लाइक यू नो ट्रीटेड, शी इज ट्रीटेड लाइक ए थिंग. तो हम लोगों ने ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ है. फर्दर मोर लेटर ऑन इन एन एपिक नैरेटिव, एपिक क्या होता है, एपिक इज़ महाकाव्य, विच इज़ यू नो एक बड़े से इवेंट को कवर करा हो जाता है. उसमें कर्सेज एंड ब्लेसिंग्स ऑफन रेगुलेट द मेन एक्शंस. कर्सेज होता है अभिशाप, एंड ब्लेसिंग्स होता है वरदान, जो है वो एपिक को एक्शंस को रेगुलेट करते हैं. ये राम एंड सीता बोथ एडमिट टू लक्ष्मणा सेपरेटली, यहाँ राम और सीता दोनों लक्ष्मण से सेपरेटली बात करते हैं. दैट देयर ग्रेट मिसफॉर्चून्स वर ब्रॉट अपॉन दैम बाय द ग्रेट सफरिंग्स दैट दे हैड कॉज द वीमेन ऑफ लंकापुरी एंड किष्किंधा. एंड वो दोनों के एडमिट करते हैं कि उनकी जो मिसफॉर्चून्स हैं वो उनके ऊपर क्यों आई है, क्योंकि लंकापुरी में वीमेन सफर्ड बिकॉज देयर हस्बैंड्स वर किल्ड, एंड किष्किंधा में भी जो थी वो फीमेल्स को सफरिंग झेलनी पड़ी थी, बिकॉज जब बाली को मारा गया था, वन फेज वॉज देयर, एंड अदर फेज वॉज जब राम रावण का युद्ध हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ किष्किंधा देवर ऑल्सो किल्ड. सो रामा मेंशंस तारा मंदोदरी अभिशाप, तारा मंदोदरी का इन्होंने अभिशाप के रेफरेंस दिया. सीता मेंशंस द नेमलेस मिलियंस हु हैड लॉस्ट देयर सन्स एंड हस्बैंड इन द वॉर. और सीता जो है वो मेंशन करती है कि कितने ज़्यादा जो है वो काउंटलेस पीपल वर किल्ड, दो सन्स थे हस्बैंड से युद्ध में वो मारे गए. तारा वॉज द वाइफ ऑफ बाली की जो वाइफ थी वो तारा थी. एंड हाउ डिड शी सफ़र, वो बताया गया है कि पहले जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी बाली सुग्रीव की, उसके बाद बाली वॉज किल्ड एंड शी सफर्ड. तो उस चीज़ को इसमें बताया गया है. सो दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन इट, हैंस द रूट कॉज ऑफ द एपिक एक्शन, जो रूट कॉज है एपिक एक्शन का, द पावरफुल वर्ड्स, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, दे आर ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू वीमेन, वो भी वीमेन से रिलेटेड है, टू सफरिंग वुमेन इन दिस टेक्स्ट. फीमेल की सफरिंग के ऊपर इसमें जो काम किया गया है, मंदोदरी पॉइजन कंज्यूम करती है, व्हाट्स हैपन्स शी गिव्स बर्थ टू सीता, और वो सारा है. उसके बाद तारा का जो अभिशाप है उसको वो बताया गया है, हाउ डिड शी सफ़र. एंड ऑन द अदर हैंड वन कुड लुक एट इट फ्रॉम द ऑपोजिट एंगल, एक दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं, से दैट वंस अगेन द डोमिनेंट आइडियोलॉजी हैज़ बीन इंटीरियराइज्ड हियर, कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, जो डोमिनेंट थॉट है, उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है. इट इज़ ऑलवेज वुमेन हु आर मेड टू कॉज ऑल द डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड, कि फीमेल जो है वो कॉज है सारी की सारी मुसीबतों का दुनिया में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, हालात जो मर्जी हो. इन जनरल अगर आप देखोगे, सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण उठा के लेके गया. नो वी पीपल वी गो आउट फॉर आर वर्क, वी लीव आर होम्स, तो क्या थर्ड पर्सन इज एंटाइटल टू मिसबिहेव विद अस, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये चीज़ें जो है ये पुराने कंटेक्स्ट में ये चीज़ें बताई गई हैं, और वो कंटेक्स्ट किसने लिखा वो सारा मेल का दिखा हुआ कंटेक्स्ट है. द्रौपदी इज कंसिडर एज द कॉज ऑफ महाभारत, क्यों, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, जो जुए में उसके हस्बैंड ने उसको हारा, और उसको जो ह्यूमिलिएशन फील हुई, शी वॉज जस्ट लाइक ब्रॉट टू द राज्यसभा, और जो उसके साथ किया दुशासन ने, तो वो शी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्या एक फीमेल होना एक क्राइम है, एक वाइफ होना एक क्राइम है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना एक क्राइम है. सो दीज थिंग्स आर यू नो डिपिक्टेड इन अ वेरी डिफरेंट वे, क्योंकि ये डिपिक्ट की गई हैं, मेल ने डिपिक्ट की हैं. अगर फीमेल लिखेगी तो वो अपना व्यू पॉइंट देगी. आजकल आप जितने भी सीरियल्स देखते हो, पुरानी रामायण पुराने महाभारत को छोड़ो, अगर नया आप कोई भी रिलीजियस सीरियल माइथोलॉजिकल सीरियल देखते हो, देयर यू कम टू नो, आपको वहाँ चीज़ें दिखती हैं कि फीमेल अपने बारे में क्या सोचती थी, और उसकी सोच को तो कहीं आने नहीं दिया गया ना रिलीजियस टेक्स्ट में, बिकॉज रिलीजियस टेक्स्ट वर रिटन बाय मेल्स. तो पुरुष ने अपने सोच को जो है आगे ले जाके डोमिनेंट रखा,
और फीमेल को तो वहाँ पे एंटर ही नहीं होने दिया गया, फीमेल की सोच को तो दबा दिया गया। वो क्या सोचती है, उसने क्या ह्यूमिलेशन फील की होगी व्हेन हर सारी वॉज बींग पुल्ड बाय दुशासन, इन्होंने ओपन कोर्ट में उसकी जो इंसल्ट की गई, तो उस पैंग को, उस पेन को, उस इंसल्ट को, उस जहर को उसने कैसे पिया होगा, ये फीमेल एक्सप्रेस कर सकती है, एक फीमेल बता सकती है। व्हेन सीता डिसाइडेड टू गो विद हर हस्बैंड, शी फेल्ट लाइक गोइंग विद हर हस्बैंड, इट्स नॉट अ क्राइम। लेकिन उसके बाद रावण जब उसको उठा के ले गया, तो व्हाट वर हर फीलिंग्स, हाउ डिड शी लिव देयर अल्टीमेटली। फिर अग्नि परीक्षा, रामा ऑल्सो लिव्ड अलोन, उनकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, बिकॉज क्यों नहीं हुई, बिकॉज ही वॉज अ मेल। वो डिपिक्शन वैसे ही है ना टेक्स्ट की, वो बताया वैसे गया है हमें हर जगह। अगर आप आज भी देखोगे ना, आज भी हमारी सोसाइटी में यही चल रहा है, यू नो इट वेल। बट द बेस्ट वे इज, आज जो है फीमेल इज़ एक्सप्रेसिव, वो अपनी बात कर रही है, अपनी बात रख रही है, वो संघर्ष कर रही है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर सोसाइटी। सो दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट। एटीट्यूड ऑफ मेल रिमेन्स एवर डिफरेंट वर्ड्स ऑफ फीमेल, उसको पढ़ नहीं पाता मेल कभी भी कि वो चाहती क्या है, वो क्या सोचती है। सो हैंस द रूट कॉज ऑफ द एपिक एक्शंस वी हैव गॉन थ्रू दिस पैराग्राफ। चंद्रपति रामायण सीम्स इम्पॉर्टेंट टू मी फॉर टू मोर रीजन्स। नवनीता देवसेन जो है वो क्या बोलती हैं कि मुझे दो रीजन से चंद्रपति रामायण इम्पॉर्टेंट लगती है। चंद्रपति फॉर टेल्स द पायनियरिंग अप्रोच ऑफ टू ऑफ आर फाइनेस्ट पोइट्स इन बंगाली, कि उन्होंने दो हमारे बंगाली के पोइट्स उनके अप्रोचेस को डिस्कस किया है। ही वॉज माइकल मधुसूदन दत्त एंड अदर वन वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, के बारे में तो आपने सुना ही है। बाय मैंशनिंग शर्मा एज द ओनली फ्रेंड ऑफ सीता इन रावणास अशोक कानना, कानना इज वाटिका, कि जो शर्मा है एक जो फ्रेंड है सीता की रावण के अशोक वाटिका में, तो अ थीम दैट इज़ डिवेल्प बाय माइकल इन हिज मेघ नाद बद काव्य, एक माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा, उसमें बताया गया है चंद्रपति शोज द सिस्टरहुड ऑफ वीमेन। जब तक फीमेल फीमेल को सपोर्ट नहीं करेगी ना, फीमेल इज़ बाउंड टू सफ़र। जब तक फीमेल फीमेल की फेवर में आके खड़ी नहीं होगी, तब तक फीमेल्स वुड सफ़र, एंडलेस सफरिंग है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। फीमेल को फीमेल के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मदर को डॉटर के पास आना पड़ेगा, डॉटर को मदर के सपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रेंड को सपोर्ट करना पड़ेगा। हर जगह वेयर सो एवर फीमेल इज़ देयर, यू नीड टू बी विद अ फीमेल। आपको फीमेल की फेवर में आना पड़ेगा, ओनली देन। निर्भया केस में देर वॉज अ फीमेल हु फॉट फॉर जस्टिस, उसने अपना 100% दिया लॉयर ने, एक मेल होता वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस दुख को, उस चीज़ को फील नहीं कर सकता ना। इट इज़ वेरी ट्रू। एक फीमेल की इंसल्ट क्या है, ये फीमेल फील करती है, व्हाट शी फेल्ट, निर्भया ने क्या महसूस किया होगा, उस लेडी ने फील किया, शी एक्सप्रेस्ड इट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, और उसने एंडलेस लड़ाई लड़ी है। वो आपको पता है कितने सालों तक लड़ाई लड़ी और रिजल्ट क्या निकला है उसका, बट शी वॉज ऑलवेज देयर। तो फीमेल के लिए फीमेल को स्ट्रेंथन होना पड़ेगा, हमें ही फीमेल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मीन्स हमें, मीन्स फीमेल को। डोंट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स, कुछ नहीं होने वाला अदरवाइज, हमें तो साथ आना ही पड़ेगा। सो इट शोज द सिस्टरहुड ऑफ वीमेन। शी ऑल्सो रिक्वेस्ट लक्ष्मणा टू एंड द ट्रबल्स ऑफ द निग्लेक्टेड वाइफ उर्मिला। उर्मिला का जो दुख था, इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। हर हस्बैंड गोज, एक भाई की ड्यूटी तो लक्ष्मण ने निभाई, अच्छा भाई होने का रिश्ता निभाया, अच्छा बेटा होने का भी निभाया, फादर की नज़र में कि मैं भाई के साथ जा रहा हूँ, रामा इज़ माई आइडियल ब्रदर, है ना। वट अबाउट द वाइफ, उसका क्या दोष था। हिंदी में जो है उर्मिला की विरह पे कविताएं लिखी गई हैं। इफ़ यू एवर गेट अ चांस गो थ्रू दैट, उसकी पेन को महसूस करो कि वो क्या फील करती थी। व्हेन हर हस्बैंड वाज नॉट देयर, सीता वाज विद हर हस्बैंड, शी सफर्ड, शी वाज विदाउट हर हस्बैंड, शी ऑल्सो सफर्ड। उसको समझने वाला कोई नहीं था, बिकॉज हर हस्बैंड हैड बीन टू फॉरेस्ट। सो लक्ष्मणास टू एंड ट्रबल्स ऑफ निग्लेक्टेड उर्मिला, दिस वॉज द वेरी टॉपिक इन विच टैगोर हैड रिटन हिज फेमस एस्से काव्य उपेक्षिता। काव्य उपेक्षिता करके, उपेक्षिता मीन्स हु इज इग्नोर्ड,
टैगोर ने भी लिखा है, यस लक्ष्मण उर्मिला वॉज नेग्लेक्टेड बाई ऑल द मेल नरेटर्स ऑफ रामायण टेल। उर्मिला के दुख को किसी ने एक्सप्रेस ही नहीं किया, जितने भी लोगों ने रामायण लिखी राम सीता लक्ष्मण के आसपास घूमते रहे, उर्मिला के दुख को तो कहीं एक्सप्लेन ही नहीं करा गया है। बट नॉट सो बाय द फीमेल नरेटर ऑफ 16th सेंचुरी ऑफ बंगाल, जो 16th सेंचुरी ऑफ बंगाल की जो नरेटर थी उसने ऐसा नहीं किया। सिमिलरली चंद्रपति रामायण हैज़ बीन निग्लेक्टेड, चंद्रपति जब एक फीमेल ने लिखा तो ऑब्वियस है वो निग्लेक्ट तो होना ही था, वो 16th सेंचुरी की बात है। रिजेक्टेड फॉर ईयर्स बाय आर मेल कस्टडियंस ऑफ बंगाली लिटरेचर एज एन इनकम्प्लीट वर्क, जो मेल कस्टडियंस थे बंगाली लिटरेचर के उन्होंने बोला ये इनकम्प्लीट वर्क है, उसको पब्लिश ही नहीं होने दिया, उसको आगे नहीं आने दिया वर्क का। क्यों? फीमेल ने फीमेल के बारे में लिखा था, उस चीज़ों के बारे में लिखा था जिनके बारे में मेल सुनना ही नहीं चाहता था, तो उन्होंने क्या किया, रोक दिया टेक्स्ट को। दिस इज़ वॉट वी कॉल ए साइलेंस टेक्स्ट, इसलिए इसको साइलेंस टेक्स्ट बोलते हैं। द एडिटर्स डिसाइडेड इट वॉज अ पुअर लिटरेरी वर्क, एडिटर्स ने बोला कि ये तो बड़ा बेकार का लिटरेरी वर्क है, एंड बिकॉज इट वॉज अ रामायण, रामायण थी एंड डिडंट सिंग ऑफ रामायण रामा, इसमें रामा का तो रेफरेंस ही नहीं है क्योंकि चंद्रपति ने बोला था कि मैं सीता का रेफरेंस दूंगी। इन इट्स एक्सेंट्रिसिटी कन्फ्यूज नॉट ओनली द एडिटर्स, और इससे एडिटर्स ही कन्फ्यूज नहीं हुए बट ऑल्सो द हिस्टोरियंस ऑफ बंगाली लिटरेचर टू सच एन एक्सटेंट, लेकिन जो हिस्ट्री से रिलेटेड लोग थे बंगाली लिटरेचर के वो भी कन्फ्यूज हो गए, दे कुडंट इवन सी द कम्प्लीट नैरेटिव एपिक पैटर्न क्लियरली विजिबल इन इट। और जब हम जेलिस से या किसी द्वेष के भाव से कुछ करते हैं ना तो दिखता नहीं, उन लोगों को भी नहीं दिखा कि पूरा एपिक पैटर्न उसमें फॉलो किया गया था। इट गॉट स्टैम्प्ड एज एन इनकम्प्लीट टेक्स्ट, एक स्टैम्प लगा दी कि इनकम्प्लीट टेक्स्ट है। टुडे अ रीडिंग ऑफ द नैरेटिव एक्सपोजेज एन ऑब्वियस फेलियर, और इस नैरेटिव को जब हम रीरीड करते हैं तो वो क्या बताता है हमें, क्लियर फेलियर टू रिकॉग्नाइज चंद्रपति रामायण एज अ पर्सनल इंटरप्रटेशन ऑफ रामा टेल, कि ये रामायण जो है वो पर्सनल इंटरप्रटेशन ऑफ रामा टेल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुई। सीन स्पेसिफिकली फ्रॉम द रॉन्ग्ड वुमेन्स व्यू पॉइंट, उसमें क्या व्यू पॉइंट आया है, वो फीमेल सीन के साथ गलत हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया है। सो दिस वेरी टेक्स्ट टेल्स अस अबाउट द पैंग्स पेन्स एंग्विश ऑफ सीता एंड अल्टीमेटली हर डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इतना दुख इतनी तकलीफ इतनी इंसल्ट कि वो गॉडेस जो थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है इस दुनिया में, मुझे जाना है, मुझे सब कुछ छोड़ देना है। एंड शी प्रेड टू द गॉडेस अर्थ, पृथ्वी से उसने प्रेयर की एंड शी वेंट इन साइड, शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर। तो ये जो पैंग्स थे वो किसी मेल ऑथर ने नहीं डिपेक्ट करने थे, ये फीमेल ऑथर ही डिपेक्ट कर सकती है एंड शी डिपेक्टेड। सो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर, एक तो आपने समरी प्रिपेयर करनी ही करनी है एंड आई सेंड यू द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच यू नीड टू प्रिपेयर एंड यू नीड टू बाई बुक्स ऑल्सो, जस्ट परचेज योर बुक्स बिकॉज आई बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन वी नो डोंट नो अबाउट यू नो ऑफलाइन क्लासेज, हमारी नॉर्मल क्लासेज कब शुरू होनी है, टिल देन इफ विल कीप ऑन वेटिंग टिल देन, तो ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकेंगे हम लोग, हम लोग पास ना तो उतना टाइम होगा ना ही हम लोग उतना मैनेज कर पाएंगे। सो बेटर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ टू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स विच आई बीन सेंडिंग डेली आपको किसी ना किसी पेपर का कंटेंट आ रहा है, जैसे आपके कंपलसरी का आ रहा है, फिर DSC 1 का आ रहा है, DSC 2, वाई DSC योर 102 इज देयर, 103 इज देयर, वाई डोंट यू स्टडी इट ऑल, इस सारे को क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग। इफ चिल्ड्रन आर कमिंग टू मी यू नो फॉर स्कॉलरशिप परफॉर्मा के लिए, दे हैव बीन कमिंग टू मी, इफ आई आस्क देम हाँ जी पिछले कल व्हाट डिड वी डू, दे डोंट हैव एनी आंसर। सो बेटर यू प्रिपेयर योर ओन, आपके जो DSC वाले हैं पर्टिकुलरली आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम इवन अ सिंगल स्टूडेंट ऑफ DSC, DSC 1 भी बच्चों ने रखा है, DSC 2 वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश को जो है दे वोंट कंटिन्यू विद 4 पेपर्स इन सेकंड ईयर, DSC 1 पे जिन्होंने रखा है उनके 5 पेपर होने वाले सेकंड ईयर में, लेकिन यू डोंट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद मी एट ऑल, आपका कम्युनिकेशन मेरे साथ जीरो है। हाउ वुड आई कम टू नो कि वट यू आर वेदर यू आर गेटिंग कंटेंट और यू आर रिसीविंग वट्स एवर इज बींग डिस्कस्ड बाई मी डिस्पाइट माई 100% ऑफ एफर्ट्स, योर एफर्ट्स आर जीरो, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे आप लोग क्या कर रहे हो। सो जस्ट ट्राई टू मेक मी कन्विंस्ड वट आर यू डूइंग, आई एम प्लानिंग फॉर यू नो क्लास ऑफ योर्स, गूगल क्लास का मैं प्लान कर रही हूँ, एक तो दिन में मैसेज यू अकॉर्डिंगली, मैं टाइमिंग मैसेज करूँगी और लिंक भी मैसेज करूँगी, होप यू विल कनेक्ट विद मी और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर पाएंगे। गुड डे।